हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वन की। टू अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 3x माइनस 2 डिग्री एंड 50 माइनस एक्स डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने से पहले हम समझ लेते हैं कि पैरेललोग्राम क्या होता है। इससे जुड़े जितने भी कंसेप्ट हैं उनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, ये है आपका पैरेललोग्राम ABCD। अब यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं इससे जुड़ी कुछ प्रॉपर्टीज। आप जानते ही होंगे जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपकी इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो जो पहला वाला पॉइंट है इसमें हमने इसी बात को लिखा है, द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके, AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज पैरेलल टू BC। सेकेंड पॉइंट कहता है द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि अपोजिट साइड्स आपकी इक्वल होंगी। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। देखिए अपोजिट एंगल आपके ये वाले होंगे, एंगल ए अपोजिट होगा एंगल सी के और एंगल बी अपोजिट होगा एंगल डी के। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। देखिए एडजेसेंट एंगल आपके कौन से होंगे, एंगल बी प्लस एंगल ए, इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये आपके होते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ओके, जैसे कि एंगल ए प्लस एंगल डी, तो एंगल ए और एंगल डी आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं। एंगल डी एंड एंगल सी ये भी आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं। एंगल सी एंड एंगल बी ये भी आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो जितने भी एडजेसेंट एंगल्स हैं इनका जो सम होगा, यानी एनी टू एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। इसी बात को हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो बच्चों, इन सभी प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना है और आपको अप्लाई करना है। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ये प्रॉपर्टीज आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो चलिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। आपको इस क्वेश्चन में गिवन है कि दो अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल हैं और एंगल्स का वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है। तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों को आपस में इक्वल रख लेते हैं। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, सिंस यू नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, यू कैन राइट देयरफोर 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स। तो बच्चों, आपको इस पैरेललोग्राम के अंदर सभी एंगल्स का वैल्यू फाइंड करना है। दैट मीन्स आपको एंगल ए निकालना है, एंगल डी निकालना है, एंगल सी निकालना है और एंगल बी निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपने यहाँ पर लिखा सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो यहाँ से आपने इन दोनों एंगल्स को आपस में इक्वल रख दिया। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे एक्स का वैल्यू। तो चलिए इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x आपका माइनस एक्स इधर चला जाएगा तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, और 50 ये आपका माइनस 2 इधर चला जाएगा तो ये आपका प्लस 2 हो जाएगा। दैट मीन्स ये आपका 4x इज इक्वल टू 52 हो जाएगा। देन आप x का वैल्यू इजीली सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा 13। तो आपके पास फाइनली x का वैल्यू आ चुका है। तो आप यहां से अपोजिट एंगल्स का जो एग्जैक्ट वैल्यू है डिग्री में वो आप फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों, जैसे ही आपके पास x का वैल्यू आता है, इसका सिंपल सा मतलब है आप ये जो एंगल्स आपको गिवन थे इनका वैल्यू आप निकाल सकते हैं डिग्री में। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक एंगल था आपका 3x माइनस 2 डिग्री। ओके, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। 3 इंटू एक्स का वैल्यू आप यहां पर रख देंगे, 13 माइनस 2 यू विल गेट 39 माइनस 2 दैट मीन्स 37 डिग्री। ओके, इसके बाद आप ये वाला एंगल भी निकाल लेंगे, दैट मीन्स ये वाला 50 माइनस एक्स डिग्री। ओके, तो आप इसका वैल्यू यहां पर रख देंगे, x का वैल्यू 13, दैट मीन्स आपके पास आ जाएगा 37 डिग्री।
ओके, और ये दोनों एंगल आपके कैसे थे? अपोजिट एंगल्स. ओके, मान लीजिए ये आपका था एंगल ए, तो ये वाला आपका हो जाएगा एंगल सी. तो हम यहां पर लिख देते हैं कि एंगल ए का वैल्यू कितना है 37 डिग्री, और एंगल सी का वैल्यू कितना है 37 डिग्री, और अपोजिट एंगल्स हैं तो दोनों के दोनों एंगल आपके इक्वल हैं. तो बच्चों आपने दो एंगल्स का वैल्यू फाइंड कर लिया, दो एंगल्स का वैल्यू आपको अभी भी फाइंड करना है. तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी का यूज करना है जिसमें हमने पढ़ा था कि एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होगा, एनी टू एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होता है. तो इसी प्रॉपर्टी को आपको यूज करना है और फाइंड करने हैं एंगल डी एंड एंगल बी. तो सबसे पहले आपको लिखना है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं. तो हम यहां पर इसको अप्लाई कर देते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी का जो सम होगा, क्योंकि एंगल ए और एंगल बी आपका क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं. तो हम यहां पर लिख देते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. आप इस रूल को किसी भी पेयर में अप्लाई कर सकते हैं. आप इस तरीके से ले सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी, या फिर एंगल डी प्लस एंगल सी, या फिर एंगल सी प्लस एंगल बी, या फिर एंगल ए प्लस एंगल बी, जिसको हमने यहां पर लिखा है. ओके, तो अब यहां पर देखिए आपका एंगल ए का वैल्यू आप निकाल चुके हो 37 डिग्री, तो आप यहां पर इसका वैल्यू रख देंगे प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और आप यहां पर एंगल बी का वैल्यू निकाल लेंगे 180 माइनस 37 डिग्री, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा 143 डिग्री. तो आपके पास फाइनली एंगल बी का वैल्यू आ चुका है 143 डिग्री. तो देखिए अपोजिट एंगल्स आपके इक्वल होते हैं, इसका सिंपल सा मतलब है एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर होगा, तो जो एंगल बी होगा वही एंगल डी होगा. दैट मीन्स ये 143 डिग्री है तो ये भी 143 डिग्री ही होगा. तो बच्चों फाइनली आपने चारों एंगल्स का वैल्यू फाइंड कर लिया. चारों एंगल्स का वैल्यू होगा 37 डिग्री, 143 डिग्री, 37 डिग्री एंड 143 डिग्री. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम. तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की. इफ एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम. तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इसकी लैंग्वेज को डिकोड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इसमें क्या बोला गया है. देखिए एक एंगल है जो किसके बराबर है, 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, यानी कि सिर्फ एडजेसेंट एंगल्स की बात की गई है, अपोजिट एंगल्स का कोई भी रोल यहां पर नहीं है. तो हम एक पेयर ले लेते हैं एडजेसेंट एंगल का, एंगल डी एंड एंगल सी. अब देखिए इफ एन एंगल, अब ये जो एंगल है इसको मान लेते हैं एंगल डी. ओके, ये किसके बराबर है, 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल. तो एंगल डी का एडजेसेंट कौन सा होगा, एंगल सी. तो देखिए आपकी जो इक्वेशन होगी वो किस तरीके से बनेगी, एंगल डी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, यानी एंगल डी का एडजेसेंट कौन सा होगा, एंगल सी. ओके, तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे. तो बच्चों फाइनली हमने इस लैंग्वेज को डिकोड कर लिया है, और यहां पर ये जो स्टेटमेंट है इसको इस तरीके से आप लिखोगे. ओके, आपको कोई भी पेयर लेना है एडजेसेंट एंगल का, आप कोई भी ले सकते हैं. हमने कौन सा लिया है, एंगल डी एंड एंगल सी का. तो देखिए यहां पर आपको यूज करना है अब एडजेसेंट एंगल सम, यानी कि इन दोनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होगा. तो हम यहां पर लिख लेते हैं एडजेसेंट एंगल सम इज 180 डिग्री. तो देखिए एंगल डी प्लस एंगल सी किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा. ओके, एंगल डी का वैल्यू आप यहां पर लिख चुके हैं, तो एंगल डी की जगह आप लिखेंगे 2/3 एंगल सी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, अब आप यहां पर एलसीएम ले लेंगे, 2 एंगल सी प्लस 3 एंगल सी अपॉन 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 5 एंगल सी अपॉन 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, तो इस तरीके से आप यहां पर एंगल सी का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, 108 डिग्री. तो बच्चों जैसे ही आपके पास एंगल सी का वैल्यू निकल आता है,
उसके बाद आपको एंगल सी का वैल्यू कहां रखना है, यहां पर। ओके तो चलिए हम यहां पर पुट कर देते हैं, तो एंगल डी आपका बराबर था 2/3 एंगल सी, क्योंकि आपको सभी एंगल्स का वैल्यू निकालना है। ओके तो एंगल सी का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, हम यहां पर लिख देते हैं 108 डिग्री। तो एंगल ए भी आपका कितना होगा, 108 डिग्री। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल्स आपके इक्वल होते हैं। अब बारी आती है एंगल डी एंड एंगल बी की, तो चलिए इनका वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं। एंगल डी आपका अगर निकल जाएगा तो उतना ही आपका एंगल बी भी होगा, तो चलिए हम यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, एंगल डी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ एंगल सी, एंगल सी का वैल्यू कितना है, 108 डिग्री। ओके तो यहां से आपका एंगल डी का वैल्यू कितना आएगा, 72 डिग्री। ओके अब देखिए एंगल डी आप यहां पर लिखेंगे 72 डिग्री, दैट मीन्स एंगल बी का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। तो बच्चों इस तरीके से आपने सभी एंगल्स का वैल्यू फाइंड कर लिया पैरेललोग्राम के अंदर। आपको यहां पर जो सिंपल रूल्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, किस तरीके से अप्लाई करने हैं, इम्प्लीमेंट कैसे करने हैं। तो यहां पर हमने इस लैंग्वेज को डिकोड करके इक्वेशन लिख ली और उसके बाद आपने फंडामेंटल रूल्स को अप्लाई किया और आपके पास सभी के सभी एंगल्स निकल के आ गए। तो चलिए बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इफ वन एंगल इज 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। तो बच्चों इस क्वेश्चन को भी अंडरस्टैंड करने से पहले आपको इसकी लैंग्वेज को डिकोड करना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा इसमें क्या बोला गया है। तो बच्चों यहां पर जो पैरेललोग्राम है इसमें सभी एंगल्स का वैल्यू आपको फाइंड करना है, एंगल ए का भी, एंगल बी का भी, एंगल सी का भी और एंगल डी का भी। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है, इफ वन एंगल इज 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, तो आपको यहां पर स्मॉलेस्ट एंगल नहीं पता तो आप उसको लेट कर लेंगे। अब मान लीजिए हम यहां पर लिख लेते हैं लेट द स्मॉलेस्ट एंगल बी एक्स। तो बच्चों यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात को हमेशा याद रखना है कि जो यहां पर बात की गई है, देखिए 24 डिग्री लेस देन है, स्मॉलेस्ट एंगल है, यानी कि दोनों एंगल्स का जो वैल्यू होगा वो वेरी करेगा या फिर दोनों एंगल्स का वैल्यू डिफरेंट होगा। तो इसका सिंपल सा मतलब है एडजेसेंट एंगल्स की बात की गई है। ओके अगर अपोजिट एंगल्स की बात की गई होती तो दोनों एंगल्स आपके इक्वल होते, तो इसका सिंपल सा मतलब है एडजेसेंट एंगल्स की यहां पर बात की गई है। देखिए अगर आपने मान लिया कि स्मॉलेस्ट एंगल आपका एक्स है, अगर यहां पर मैं मान लूं कि एंगल सी ही आपका एंगल एक्स है, ओके तो हम यहां पर ले लेते हैं एंगल डी एंड एंगल सी। ओके ये आप जो पेयर बनता है इसका, एंगल डी और एंगल सी का, ये आपका एडजेसेंट पेयर है। तो यहां पर एंगल सी हमने ले लिया एक्स, तो एंगल डी का वैल्यू क्या होगा, तो यहां पर एंगल डी का जो वैल्यू होगा, देखिए ये आपका एंगल सी है तो एंगल डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपने एक एंगल मान लिया एक्स तो एंगल डी का वैल्यू यानी कि दूसरा एंगल, ओके ये आपका अदर एंगल होगा। ओके तो इसका वैल्यू देखिए आप यहां से समझिए, 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। ओके 24 डिग्री लेस देन का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि आपको माइनस करना पड़ेगा, किस में से, ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल यानी कि स्मॉलेस्ट एंगल का दोगुना, तो यानी कि आपको यहां पर लिखना पड़ेगा 2 × x। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा एंगल डी का वैल्यू या फिर हम कह सकते हैं अदर एंगल, आप यहां पर इसको लिख दीजिए 2x − 24, और यही आपको जो स्टेटमेंट गिवन है इसी को आपको इस तरीके से लिखना था। अब बच्चों आपको मालूम है कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, तो आप यहां पर लिखेंगे एडजेसेंट एंगल सम इज 180 डिग्री। ओके तो इसका सिंपल सा मतलब है आप एंगल सी और एंगल डी को आप ऐड कर देंगे, एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके अब देखिए एंगल सी को आपने माना है एक्स तो आप यहां पर लिख देंगे एक्स, और एंगल डी का वैल्यू है आपका 2x − 24 डिग्री, तो आप यहां पर लिखेंगे 2x − 24 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस तरीके से आप x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये आपका जाएगा 68 डिग्री, आप इसको सॉल्व कर लेना 68 डिग्री ही आएगा। तो बच्चों जैसे ही आपका एंगल x निकल आता है उसके बाद आप बोल सकते हैं जो एंगल x के अपोजिट में है एंगल A, इसका वैल्यू भी 68 डिग्री होगा। ओके एंगल x का वैल्यू आपने निकाल लिया 68 डिग्री,
अब बारी आती है एंगल डी और एंगल बी की, तो सिंपली आपको एक्स का वैल्यू यहां पर पुट करना है। तो चलिए हम पुट कर लेते हैं, एंगल डी इज इक्वल टू आपका था 2x-24, तो आपको x का वैल्यू सिंपली यहां पर रखना है और आपके पास आ जाएगा एंगल डी का वैल्यू। तो ये आपका हो जाएगा 136°-24 और ये आपके पास आ जाएगा 112°। तो बच्चों जैसे ही एंगल डी का वैल्यू आप निकाल लेते हैं 112°, तो आप बोल सकते हैं एंगल बी का जो वैल्यू है वो होगा 112°, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आपके सेम होते हैं। ये 68° आ चुका है, ये 68° आ चुका है, एंगल बी और एंगल डी आपका बराबर है। और बच्चों अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है तो आप एडजेसेंट एंगल्स को ऐड करके देख सकते हैं, वो हमेशा 180° ही आएंगे। देखिए 112°+68° आपका आ जाएगा 180°। आप यहां पर ऐड करके देख लीजिए, एंगल ए प्लस एंगल बी, ये भी आपका 180° आ जाएगा। एंगल ए प्लस एंगल डी को आप ऐड कर लें, ये भी आपका 180° आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आपने सभी एंगल्स का वैल्यू निकाल लिया। एंगल ए एंड एंगल सी का वैल्यू होगा 68° एंड एंगल बी एंड एंगल डी का वैल्यू होगा 112°। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम।